लेट अस नाउ लर्न अबाउट रेडिएशन. हमने देखा था कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में हमें ट्रांसपोर्ट मीडियम के रूप में मटेरियल की नीड होती है. इन मेथड्स में वैक्यूम में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है बिकॉज वैक्यूम में कोई पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है. वैक्यूम में एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस पर हीट ट्रांसफर रेडिएशन से होती है. रेडिएशन में सोर्स या रिसीवर का मूवमेंट नहीं होता है. हमें सन से अर्थ पर जो हीट मिलती है वो रेडिएशन के फॉर्म में ही मिलती है. इस मेथड में एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफर होती है एंड इस एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ ऑक्सीलेट करती है एंड वैक्यूम में इन वेव्स की स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि लाइट की स्पीड के इक्वल होती है. सभी बॉडीज रेडिएंट एनर्जी एमिट करती हैं, चाहे वह सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो. यदि कोई बॉडी अपने टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है तो इसे थर्मल रेडिएशन कहते हैं. रेड हॉट आयरन से प्राप्त रेडिएशन एंड फिलामेंट लैम्प से प्राप्त लाइट थर्मल रेडिएशन का ही एग्जाम्पल है. जब यह थर्मल रेडिएशन किसी बॉडी पर पड़ता है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है. किसी भी बॉडी द्वारा रेडिएशन से एब्जॉर्ब्ड हीट का अमाउंट बॉडी के कलर पर डिपेंड करता है. ब्लैक बॉडीज लाइटर कलर की बॉडी से बेटर रेडिएंट एनर्जी एमिट करती हैं एंड एनर्जी एब्जॉर्ब भी बेटर ही करती हैं. बच्चों, आप सब बचपन से पढ़ते आए कि गर्मी के मौसम में हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए एंड ब्लैक कलर के कपड़े हमें विंटर्स पे पहनने चाहिए. तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे क्या आप इसको आंसर कर सकते हैं? आप सबने सही सोचा होगा, लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो हीट एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी एमिट भी कम ही करेंगे. तो जब गर्मी का मौसम होता है तो ये कपड़े गर्म आसानी से नहीं होते और इसके कारण हमारी बॉडी कूल रहती है. पर अगर गर्मी में आप काले कपड़े पहने तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और इसके गर्म होने के कारण हमारी बॉडी भी जल्दी गर्म हो जाएगी. इसीलिए आपने यह भी देखा होगा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ज़्यादातर लाइट कलर के कपड़े पहन के खेलते हैं क्योंकि लाइट कलर के कपड़े कम हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से कूल रह पाएगी. ब्लैक कलर के जो कपड़े हैं वो सन की हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएंगे. इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा, हमें ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी. इसीलिए आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ज़्यादातर लाइट कलर के कपड़े पहन के खेलते हैं जिससे उनको सन की जो हीट आती है जिससे उनके कपड़े सन की हीट कम एब्जॉर्ब करें और जो बॉडी की जो हीट है वो अच्छे से रेडिएट भी हो सकें. अब हम थर्मोस बॉटल की फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं. यह बॉटल में फिल्ड कंटेंट एंड सराउंडिंग के बीच हीट ट्रांसफर को मिनिमाइज करती हैं. देखते हैं किस तरह से इसको मिनिमाइज किया जाता है. इसमें डबल वॉल्ड ग्लास वेसल होता है जिसकी इनर एंड आउटर वॉल्स सिल्वर से कोटेड होती हैं. इस कारण से इनर वॉल रेडिएशन को वापस कंटेंट को रिफ्लेक्ट कर देता है एंड सिमिलरली आउटर वॉल बाहर से आने वाली सारी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है. दोनों वॉल के बीच में जो स्पेस होती है वो इवैक्यूएटेड होती है, दैट इज वैक्यूम से बनी होती है. ये इसलिए होता है कि इनर वॉल और आउटर वॉल के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज मिनिमाइज हो सके. जो भी होगा वो रेडिएशन के कारण होगा, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर मिनिमाइज किया जा सके. यहाँ ग्लास वेसल कॉर्क जैसे इंसुलेटर पर सपोर्टेड होता है जो कि यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया गया है. तो इससे क्या होता है, ग्राउंड के साथ या जो वॉल जो वेसल का आउटर पार्ट है
उसके साथ भी एक इंसुलेटेड मटेरियल आ गया है तो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और जो ये ग्लास ट्यूब है वो भी एक इंसुलेटेड सपोर्ट जैसे कि कॉर्क के ऊपर ही रखी जाती है। और यह डबल वॉल्ड ग्लास वेसल और यह ग्लास ट्यूब जो है इसको भी एक इंसुलेटेड सपोर्ट दैट इज विच इज मेड अप ऑफ कॉर्क पे रखा जाता है। यह इसलिए करते हैं जिससे कि इस ग्लास ट्यूब का कॉन्टैक्ट विद आउटर पार्ट ऑफ द बॉटल मिनिमाइज्ड रहे। नेक्स्ट हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि किसी भी टेम्परेचर पर रेडिएशन में स्मॉल से लेकर लॉन्ग सभी वेवलेंथ्स होती हैं, यानी कि यह एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। अब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि किसी भी टेम्परेचर पर रेडिएशन में स्मॉल से लेकर लॉन्ग सभी वेवलेंथ्स होती हैं, यानी कि यह एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। अब यदि रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ, जिसे हम स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी भी कहते हैं, उसका ग्राफ बनाए तो वेवलेंथ के साथ जो कर्व बनता है वह कुछ इस प्रकार से दिखता है। का वेवलेंथ के साथ कर्व बनाए तो वह कुछ इस प्रकार से दिखता है जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि यह कर्व टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी होता है।